दोस्तों, तो आज कुछ इस टाइप के पकवान बन रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अपने घर में ये पकवान बन रहे हैं आज। इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पटांडे। और अब आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं ये आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि दोस्तों ये वाली जो डिश है पहाड़ में वो काफ़ी फेमस है। और जो बनाने के लिए बैठे हैं इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है मेरे मिसिज। काफ़ी कारीगर हैं जी ये पकवान बनाने में, एक से एक डिशेस बनाने में। ये भी क्यों जी? हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। दोस्तों इसको बनाना उतना आसान नहीं है, आप देख सकते हैं। बस इसमें बहुत 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 मेहनत है मेरे भाई, इसमें बहुत मेहनत है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्जुन तोमर पहाड़ी। दोस्तों आज है स्पेशल डे, और आज स्पेशल डे है जो अपना इधर पहाड़ में जो एक हरियाल्टी का जो फंक्शन मनाया जाता है, एक उत्सव मनाया जाता है, एक फेस्टिवल होता है हरियाल्टी, जो कि हर जगह हरियाली हरियाली होती है। तो उस टाइम पे एक फंक्शन मनाया जाता है, एक उत्सव होता है अपनी तरफ, एक काफ़ी फेस्टिवल है जिसमें अपना जो लोक नृत्य भी रहता है और घरों में एक से एक पकवान बनते हैं। तो वैसे ही आज जो पकवान है वो अपने घर में भी बन रहे हैं, और इसमें एक से एक कारीगर लगे हुए हैं अपने घर में पकवान बनाने में, जिसमें से कि मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ उनसे, जो भी अपने घर में इस काम को कर रहे हैं। मेन कलाकार है अपने, जो अपने मेन कारीगर हैं वो अपनी ये बड़े वाली सिस्टर्स, मेरी दीदी जी, और फिर असिस्टेंट में काम कर रहे हैं आज मेरी मिसेज, और साथ में है जो मेन सुपर हेड है अपने, वो है मेरी माँ। माँ थोड़ा हाई कर दो। ये है मेरी माँ, ये बिल्कुल अभी ट्रेनिंग पे दे रहे हैं इनको कैसे करना है, तो इन्हीं के ही प्रेजेंस में काम हो रहा है आज। तो दोस्तों कुछ ऐसा साइज है इसका, ये देखिए कितना डाया, देख लीजिए कितना बड़ा है इसका, काफ़ी बड़ी रोटी बनती है पूरे तावे की साइज की, और बिल्कुल नरम होती है बिल्कुल। ये देखिए इसको फोल्ड करने का तरीका, इस हिसाब से फोल्ड करते हैं, और ये काफ़ी लोगों के लिए बनी है अपने यहाँ। आज लगभग 10-12 लोगों का खाना बना हुआ है इसी का ही, तो बस आज तो माँ को ही सलाम है जी। तो भाइयों एक पटांडा तो मैं भी बनाऊँगा, क्योंकि अभी सारे ही बना रहे हैं, तो फिर एक पटांडा मैं ही बनाऊँगा और देखते हैं कि कैसे बनता है। दोस्तों तो पहाड़ी भाई अब बनाएगा तुम्हारा भाई यार, ये सबसे पहले थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना है इस पे तावे पे, तो फटाफट से तेल लगा लेता हूँ। हाँ हाँ, अभी तेल लग गया है ताकि इसपे चिपके ना, इसलिए ये अपना है इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों ये वाला, अब ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, इससे बनाऊंगा इसको। सबसे पहले इसको घेरता हूँ। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, भाइयों ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ये शुपड़ा क्या? कोको वो शुपड़ा है। ताली लाए थे। आप चमची से मरीज का इलाज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बड़ा नहीं, बढ़िया नहीं बना दोस्तों, मैं बीच-बीच में थोड़ा स्पेस रह गया है। तू नहीं कह रहा, थोक तो हो यार। क्या शेव है? मतलब हम मानो बढ़िया पटवन। तू आज आशा मान। मम्मी आपकी पीड़ी हो गई। और फर्स्ट डे है। लाइट में पहला पटवाड़ा बनाया है तुम्हारे भाई ने। तो पलटी करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, उंगलियां जलती है इसमें इतना, जितना स्वाद टेस्टी है उतना बनाना भी ये बहुत मुश्किल है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत दिक्कत है जी, पटवाड़े मारने भूल चाहिए। जो तो मेरे पहाड़ी भाई है वो तो इस चीज को जानते हैं कि क्या आइटम है, लेकिन जो अपने दूसरे भाई लोग हैं वो इनके लिए ये आइटम नहीं होगी।
दोस्तों मैंने ये बना दिया है, मेरी तरफ से फाइनल हो चुका है। अब नेक्स्ट कैंडिडेट आ रहे हैं हमारे बड़े सिस्टर जी, अब ये बनाएंगे बढ़िया। और जो उस्ताद है असली यही उस्ताद है अपने, ये सीनियर, ये तो सुपर सीनियर है जी, इनको तो ये तो मास्टर जी है, ये असिस्टेंट है, ये उस्ताद, ये तो उस्ताद अभी बैठेंगे। तो अब बना रहे हैं हमारे सिस्टर जी, क्योंकि जो राइट वे है दोस्तों इसको बनाने का वो यही है। साथ में अभी बुआ जी भी बैठ गए हैं दोनों, बढ़िया बने बढ़िया। हाँ ये देखिए, इसको सही तरीका है ये वाला दोस्तों, इस हिसाब से इसको ले जाना है। ये देखिए, अपने से बहुत वैसा बन नहीं रहा था, लेकिन बनना तो इस हिसाब से चाहिए था। ये देखिए, ये है दोस्तों राइट वे बिल्कुल बनाने का इसको। और वो लिया बहुत ही चोरी है, देख तो बांध दी भाई, हाथ फूकियो बोते। ये देखिए दोस्तों, इनको जाते हैं 100 पॉइंट्स, क्योंकि हम तो अभी ट्रेनिंग पे हैं, अंडर ट्रेनिंग इसको बनाने के लिए। और सिस्टर ने तो इसको बना ही दिया, शाबाश दादी हैं। और साथ में बुआ जी बैठे हैं, तो बुआ जी भी अभी, बुआ जी तो पहले ही ट्रेंड है, इनको तो पता है कि किस हिसाब से बनाना है। और दोस्तों इसको है पलटी मारना, पलटी मारना। ये देखिए, या यही तो तरीका है मेरे भाई, यही एक्सपीरियंस होता है। अच्छा दादी इधर आए, बहुत बढ़िया। तो ये क्या क्या है इसमें? इसमें आटा और नमक। आटा और नमक है, तो खाना किसके साथ है ये? जो के साथ, चीनी घोल के, शहद के साथ। अच्छा जी, और दूसरा किसके साथ खा सकते हैं इसको? दूसरा दाल के साथ, खीर के साथ। अच्छा, जिस मर्जी के साथ खाए हैं। अच्छा जी, और सबसे बढ़िया जो है वो शहद के साथ लगेगा है। तो दोस्तों जो बुआ जी बोल रही है, बुआ जी बोल रहे हैं जो इसको खाने का जो सही तरीका है, तो इसके साथ चाहिए अपने को शहद। आप अगर शहद के साथ इसको खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि यह है दोस्तों हल्का, और साथ में हो माँ की दाल वगैरह हो बनी हुई तो उसके साथ भी आप खा सकते हैं, चाहे रोटी हो चाहे सब्जी, किसी के साथ भी। अच्छा, घी और माँ की दाल के साथ हैं। और मो है ना, चलो बहुत बढ़िया। चीनी वाला ना है, चीनी वाला रस तैयार करके। ये जो पटवांडे वाली डिश है वो फाइनली अब हम इसको बना चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी भाई पाड़ी भाई अपने ये जो पटवांडे वाला जो ब्लॉग है आप तक तो अगर पहुंचता है तो आपने इसको जरूर लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है कि ये कैसे बने हैं और आपके साइड इस डिश को क्या बोलते हैं।